Very good morning, viewers. You're watching Good Morning Northeast with me, Pooja, and I'm bringing you the fresh episode of Good Morning Northeast this morning. And we'll start with this fresh episode with a beautiful thought of the day. If you are not failing every now and again, it's a sign you are not doing anything very innovative. Woody Allen. I'll not waste any more time and straight away move to Ragini Chakraborty and talk more about her career and talk more about her singing things all about. So ma'am, welcome to Good Morning Northeast. Aap hamare show pe aaye. It's a very privilege to have you in our show. So ma'am, we'll talk many things about your singing career and all everything. But sabse pehle aap apna introduction hamare viewers of Good Morning Northeast ko kis tarah se dena chahenge? Sangeet ke madhyam se ya bol ke ya kis tarah se wo aapke upar hum chhod dete? Sangeet ke madhyam se. Bilkul. To shuru kiya jaye. Thank you. Kaise shuru karenge raag sangeet se? Jab aap bol rahe hain sangeet ke madhyam se to bilkul ek achhi. Jo mera bir mein. Haan. To koi bhi dhun. To kya aap sunana chahenge hame sabse pehle? सबसे पहले जैसे हम लोग राग प्रैक्टिस करते हैं सुबह में मॉर्निंग राग इवनिंग राग आफ्टरनून राग ऐसे होते हैं जो करते हैं जो रहते हैं तो मॉर्निंग में जनरली जो राग हम लोग गाते हैं या आवाज़ खोलते हैं बैठते हैं मेडिटेशन टाइप उसमें से जो भी मूड में आते हैं वही हम लोग रखते हैं बाय द वे मेरे दादाजी के बारे में आपने कहा है कमला कांत नहीं वो कमला नंद असमीज में कमला नंद ओके उनके बारे में भी हमें जानना है आपसे आपको उनसे किस तरह की तालीम मिली एंड ऑल दैट बट लेकिन सबसे पहले आपने जो बोला है जो रिफ्रेशमेंट जो आप लोग रियाज करते हैं सुबह सुबह तो वो हमें ज़रूर सुनना है रियाज एक्चुअली लोगों को सुनाने के लिए नहीं होता है रियाज तो रियाज होता है लेकिन उसके साथ साथ राग जो प्रैक्टिस हो जाता है बाहर परफॉर्म करने के लिए भी हम खुद के लिए भी तो उस वही हम लोग अभी करेंगे दिखाएंगे मैं पहले एक सरस्वती वंदना रखती हूँ इसके बाद मैं हे माता सरस्वती हे माता सरस्वती ब्रह्म शक्ति मयूरवाहिनी वाग्देवी सरस्वती हे माता सरस्वती ज्ञान शक्ति आदिस्थापित ज्ञान शक्ति सरस्वती हे माता
सरस्वती। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी है एक धुन के साथ। बिल्कुल, तो आप लोग जब भी रियाज करते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करके, और बिकॉज वो हमारा मतलब इतना ध्यान करके हमारा जितना भी सारे दिन का जो काम होता है अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर आप उसके बारे में क्या बताएंगे और किस तरह का आप मतलब अपना रियाज और अपना श्रद्धा म्यूज़िक को देते हैं, बताइए हमें। एक्चुअली पहले तो रियाज सीखा था जब भी हम लोग मतलब बहुत साल पहले हमने जब भी शुरू किया था तभी हमको सिखाया गया था जो ऐसा इतना टाइम बैठना चाहिए, मॉर्निंग में ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी उठना चाहिए मेन, तो उस एज में। अभी उसका कुछ ये नहीं है लेकिन चालू रखना पड़ता है, चालू रखना है। लेकिन जब भी हम लोग स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे जो रेगुलरली गाना होता है ना, तो एक्चुअली 12 इयर्स के बाद वो आवाज़ चेंज होते हैं बच्चे लोगों के, तो मैं खुद भी अभी सिखाती हूँ तो अभी मुझे मालूम पड़ता है। अच्छा। तो पहले नहीं मालूम पड़ता था, तो जब हम लोग भी रही हैं सिखाती हूँ मैं, अभी जस्ट अभी थोड़े दिन बंद है। अच्छा। लेकिन पहले हमको मालूम नहीं था, जब बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था गाना गाओ 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 ऐसा बोलते थे, हम लोग नहीं गाते थे, खाली दौड़ के आगे हम लोग खेलते थे ज्यादा, तो तभी उतना समझ नहीं आता बिल्कुल नहीं। तभी हमारे घर में म्यूजिक, मेरे पिताजी म्यूजिशियन थे और दादाजी, मैं देखा नहीं उनको, लेकिन घर में संगीत है, संगीत सब लोग करते थे, इसलिए मैं वो एटमॉस्फेयर पूरा मैंने देखा, और वो वातावरण ही आपको मिला है उसी वातावरण के खेलने के बीच में भी हमारे घर में जो गाना होता था ना, एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग है, बाकी लोग भी तो खेलने के बीच में वो गाते रहते थे क्लासिकल। अच्छा। वो क्लासिकल वो प्रैक्टिस ज़्यादा होता था तो वो लोग बाहर सब चलता था, तो हिंदी ऐसा फिल्म्स के गीत हम ज़्यादा नहीं होते थे। और तभी मुझे याद है कि उस समय मैं कोई कोई सॉन्ग्स ऐसे बहुत कम सिखाते थे तो वो गाती थी लेकिन रियाज नहीं करती थी, तो समझ में नहीं आता था। बाद में रियाज करने लगी और उसी से अभी मैं गाती हूँ, और अभी बहुत कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन उस समय समझ नहीं आता था ना उस चीज का, उस समय आपको पता नहीं था, अभी जाके उस चीज का महत्व पता चला, और वो तालीम आप अपने अभी स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक्चुअली मैं देखती हूँ 11 इयर्स 12 इयर्स तक बहुत स्वीट गाते हैं, नेचुरल वॉइस रहते हैं। अच्छा। कोई कोई तो 8 इयर्स से मैं सिखाया और 5 इयर्स से सिखा, तो बहुत सुंदर होते हैं बाहर, अभी मुंबई यहाँ पे नहीं है, तो वो बाद में मैंने देखा कि 12 इयर्स के बाद वो लोग गाने के लिए भी थोड़ा सा ये रखते हैं, शर्म आता है उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के तो आते नहीं है, लड़के लोगों को ऐसे भी चेंज होते, तो उन लोगों को मैंने देखा कि बहुत सुंदर गाते थे लेकिन उसके बाद चेंज हो जाते, तो इसलिए वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे खुद का टाइम का भी मुझे याद आता है कि क्या होता था उस समय, वो एक टाइम का फेज आ जाता है जब हमें यंग एज में हमें मन भी करता है ये सब करने का, और एक टाइम आ जाता है जिस टाइम में आप बोल रहे थे हिचकिचाहट, बिल्कुल थोड़ा शर्माना, तो ये और ज्यादातर लड़कों में ये चीज देखा जाता है, लड़कों में तो बहुत होता है, लेकिन आते थे वो लोग ज्यादा से ज्यादा गाने के लिए आना चाहिए एक्चुअली। और मैंने ये देखा अभी जो हर चैनल पे हिंदी बोले आप असमीज बोले कोई भी चैनल पे जो बच्चे लोग गाते इसलिए गाते, वो नेचुरल वॉइस है ना, नेचुरल वॉइस, वो बाद में कितना रखेंगे उसके ऊपर बात है एक्चुअली। अभी कुछ रियलिटी शोज जो आते हैं किड्स रियलिटी, वो क्या है नेचुरली वो गाएंगे ही, क्योंकि हमारे टाइम पे वो सब नहीं था ना, तो हम लोगों को इसने लेकिन उनको सिखाया जाएगा, तो अभी तो ऐसे भी बचपन में सब कुछ याद होते ही है ना, तो आप बाद में उस टाइम में एक कैचिंग पावर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारा एक ही फोकस रहता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और बाकी चीज़ें भी करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, और फिर इंटरेस्ट भी शायद दूसरों चीज़ों में भटक जाता है, ये भी बात है। सो मैम आप हमें ये बताइए, आपने कहा आपका घर पर एटमोसफियर ही एक रहा, म्यूज़िकल एटमोसफियर रहा, सो आपको तालीम भी घर से मिली होगी, तो आप बता रहे थे आप भी उतना इंटरेस्ट नहीं देते थे उस टाइम पे, फोकस नहीं रहते थे, रियाज में नहीं देते थे, लेकिन अभी जाके आप आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, सो वो जर्नी अब तक का कैसा रहा और कितने चेंजेस आए, और अभी के जेनरेशन में और तब के टाइम में कितना फर्क आप देख रहे हो सिंगिंग को लेके? बहुत कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ मैं, एक्चुअली अभी चैनल आ गए ना, तो चैनल्स की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गए, लेकिन फिर भी मैं एक बात तो मेरे टाइम पे सब स्ट्रिक्ट थे लोग, गुरुजी हमारे, तो हमारे घर में जो लोग आते थे सब बड़े बड़े लोग ही आते थे एक्चुअली, परवीन सुल्ताना तो आप लोगों ने नाम सुना ही है, उनके पिताजी हमारे घर में रेगुलरली और जाके पिताजी के साथ बैठते थे, मैं जब
बड़ी हो गई थी तभी. उससे पहले उन लोगों का गाना बहुत चलता था. अच्छा. बहुत सालों से. तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी बहुत पहले से. लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया था जिस समय मैं सीखती थी क्लासिकल, तभी वो रेगुलर हमारे घर आते थे. अच्छा. ऐसे भी वो ऐसे पिताजी के साथ बैठते थे, मूड बनते थे ना उन लोग, तो रेगुलर आते थे. तो मुझे कभी कभी पूछते, मैं डरती थी गाने के लिए क्योंकि हमारे बाहर वो लोग बैठते थे, मैं अंदर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था. तो वो बाहर से कुछ कुछ बोलते थे, ऐसा करो वैसा करो ऐसे. तो बाद में खुल के गाओ ये. और अगर कोई कहीं मिस्टेक हो गया तो? नहीं, वो कुछ भी नहीं. मुझे एक दिन बोला कि तू ये गा के क्या करेगी, तो अभी सारे गमा कर, अभी वो क्या कर रही, ऐसा करके एकदम रास्ते में एक दिन बोला था. तो मुझे एक एक सेंटेंस अभी याद आते हैं. तो वो बहुत काम की चीज़ है एक्चुअली. तो उस समय मैं समझती थी, तभी मैं कॉलेज में थी, लेकिन पूरा मतलब तभी तो हमारा क्या ऐसा ये भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था तभी. तो हम लोग अभी तो चीजें बहुत ही अपग्रेड हुई है. ये अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, मुंबई में मैंने लिया. लेकिन पहले तो हम लोग बजा के गाते थे, तानपुरा बजा के हम लोग. वो बजा के गाने में भी एक अलग मजा है कि नहीं? तो वो बजा के गाने में इंस्ट्रूमेंट्स को अपने हाथों में लेके, अभी तो टेक्नोलॉजीज आ गए है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आ गए है जिसमें हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये मैंने बाद में लेके, वो बजाने से हमको क्या होता है, सितार नहीं, वो तानपुरा बोलते हैं, तानपुरा, वो बजाने से क्या होता है, थोड़ा सा एक्चुअली प्रैक्टिस भी होता है. अभी तो मैं उस तरह से नहीं बैठती हूँ, लेकिन वो बजा के गाने से कान में आता है. लेकिन बाहर से अगर बारिश आ गया कुछ आ गया तो खूब बहुत लोग हम लोग गाते थे, तो बाहर से लोग सुनते थे मेरी आवाज, वो तार की आवाज तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट का नहीं आता था. अच्छा. तो लेकिन मूड आता है वो बजाने से, एक एटमोसफियर क्रिएट होता है. और लेकिन बाद में ये हमको बड़े गुरु जी ने सिखाया कि ऐसा बॉक्स होने से अपने आप बहुत ज्यादा रियाज कर सकते हैं. वो बजाने में एक आधा ये जाता है ना, ट्यूनिंग करो फिर रखो बैठो, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हो. लेकिन ये बजने से मेन रियाज जो होता है एकदम सीरियसली, तो इसको बजा के आप बैठो कहीं पे भी तो वो गा सकते हैं. अच्छा है, आजकल तो बहुत सारे आ गए, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और उस तरह का मतलब इजी भी हो गया है हमारे जनरेशन के लिए और बहुत सारे अपग्रेड भी हो गए हैं चीजें. सो मैम हम बहुत बातें करेंगे, अभी तो ऑलरेडी बहुत सारे बातें और मुझे और भी बहुत कुछ जानना है. तो आप मुझे बताइए आप नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं हमें, मुझे बहुत ही मन कर रहा है आपकी आवाज को फिर से सुनने को. राग जैसे हम लोग अभी तो मैंने प्रेयर किया है, जैसे सरस्वती माता का हमेशा शुरू में गाते हैं कोई भी फंक्शन हो कुछ हो. तो अभी जैसे रियाज शुरू में आवाज खोलते हैं ना, तो उस हिसाब से रियाज का मैं रियाज के साथ साथ राग का थोड़ा सा सुना सकती हूँ. मॉर्निंग राग का कुछ होता है, बहुत ज्यादा तो यहाँ पे नहीं होता है क्लासिकल तो अभी... लेकिन बहुत दिनों बाद क्लासिकल सुनने को मिल रहा है. लेकिन यूजुअली हमें आजकल ये बॉलीवुड नंबर्स या यहाँ के जो यहाँ पे होता नहीं है ना, असम में प्रॉब्लम वही है. असम में अभी मेरे को भी यहाँ पे आके मुझे वो परफॉर्म करने के लिए नहीं मिलता. अगर मैं यहाँ पे बैठ तो मेरा सब बंद पड़ा रहेगा, मतलब वो मैं गा नहीं पाएगी, कहाँ गाएगी. सुनने के लिए कोई चाहिए और चैनल कर सकते हैं एक्चुअली. चैनल आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ, ये मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप लोग क्रिएट करेंगे ना ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर चालू करेंगे तो एकदम देखिए तब कितना क्या हो जाएगा. ओके. करना चाहिए. नहीं तो कैसे, क्योंकि जो बेसिक तालीम है वो क्लासिकल से ही आता है. इफ यू टेक द बेसिक वो नॉलेज अगर ले ले तो फिर हमारे आगे के चीजों में बहुत ही हेल्प हो जाता है. बिल्कुल. सो मैम आप क्या सुनाएंगे बताइए तब. जैसे गाती हूँ ऐसे ही करती हूँ. बिल्कुल. रियाज बच्चे से शुरू में my nariye
एक्चुअली रियाज होता है स्टेप बाय स्टेप, अभी बहुत लंबा लगेगा सबको अच्छा। इसलिए अब इतना ज़्यादा नहीं गाई तो ऐसे ये जो अब पहले मैंने थोड़ा सा गा के सुना है शब्द के साथ, उसके साथ साथ हमारा आलाप चलता है। अच्छा, तो आलाप के साथ साथ धीरे धीरे हम एक एक मतलब घराना बोलते हैं ना, तो हमारे घराने में जो गुरु जी ने हमको सिखाया था एक स्टेप बाय स्टेप एक एक नोट के ऊपर हम लोग एक्सपांड कर करके हम लोग ऊपर जाते हैं, जाके फिर नेक्स्ट फेज शुरू होता है। फिर राग के एक ग्रामर टू रहता है ना, और ग्रामर हमको फॉलो करना पड़ता है, तो एकदम थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली, जैसा मूड बनता है जिसको जितना आवाज खोलता है जिस तरह से आलाप कर सकते हैं, जैसे ऑडियंस देखना पड़ता है, टाइमिंग देखना पड़ता है, सब देख के बैलेंस करके वो गाना होता है। फिर थोड़ा सा फास्ट बीट का पोर्शन आता है, तो वो अगर ये 10 मिनट गाया तो उसका 5 मिनट, तो फिर लास्ट में वो टाइम के हिसाब से हमको वो एडजस्ट करना पड़ता है। वो एक्चुअली अभी भी जो 10 मिनट्स टाइम देते हैं आजकल हमारे बड़े बड़े लोगों को भी देते हैं, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं रहता है जो टाइम इतना मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हमने ये बात सीखा था जैसे कोई भी शो में भी हमें बहुत टाइम मेंटेन करना पड़ता है। और अभी जैसे कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मैम, तो हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे बातचीत और बिल्कुल आपकी जितनी भी राग है और मुझे और भी बहुत कुछ जानना है। बट ऑन दैट नोट व्यूवर्स, वी आर जॉइंड बाय रागिनी चक्रवर्ती एंड आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम बाय हियरिंग सच ब्यूटीफुल क्लासिकल नंबर्स, बट राइट नाउ विल हैव टू स्लिप इनटू अ शॉर्ट break, but do come back soon because we have lots more on the other side. Welcome back viewers, you are still watching Good Morning Northeast with me Pooja, and not to forget I'm still joined by Ragini Chakraborty and I'm having a good time with her. So let's move across to her and talk more about a singer and just listen to her, because the break, before the break she was singing a beautiful classical number and I want to know more about that. So break se pehle ma'am aap bata rahe the jo ek subject hota hai kisi bhi gaane ko leke aur aap time frame ko dekh ke gana shuru karte hai aur jo, lekin main chahungi ki aap gana turant shuru kiya jaye बिकॉज मैं उस धुन में घुस गई थी एंड आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी। सो हमारा टाइम भी कम है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शुरू कर दें। हाँ, तो उसका उसके साथ जो गाते हैं तो सब कुछ नहीं गाएगी, थोड़ा सा मैं ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ताल पे, ताकि हमारे व्यूवर्स भी जान पाए किस तरह का एक म्यूजिक होता है। 2 मिनट का दिखा देते हैं, तो ऐसे फर्स्ट बीट का होता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा उसी राग में बिल्कुल। ओम नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
ये एक्चुअली प्रेयर के जैसे ओम नमः शिवाय करके बनाया था, इसके साथ दूसरा भी होता है दो चार लाइन के। अच्छा। तो अभी सब टाइम भी नहीं है, अभी थोड़ा उस हिसाब से गाना पड़ता है ना उसके लिए। तो मैम आप हमें ये बताइए कि आज के जेनरेशन को आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे, बिकॉज एक बेसिक तालीम लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो मतलब आजकल हम देखा नहीं जाता है, जो सब लोग अपनी तरह से गाना चाहते हैं या फिर टेलीविज़न में देख के, म्यूज़िक चैनल्स को देख के खुद ही अपना वॉइस को उस चीज़ों में ढालना चाहते हैं, लेकिन एक बेसिक तालीम कितना ज़रूरी होता है आप हमें बताइए और हमारे व्यूवर्स को भी बताइए ताकि वो इस चीज़ों को सुन सके। बेसिक तालीम एक्चुअली तो सीखते तो है ही, सीखने के साथ साथ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ऐसे खाली जैसे अभी हमने गाया खाली आवाज़ भी दिया। और अगर बड़े बड़े लोग ये भी कहते हैं कि विदाउट म्यूजिक भी गाना चाहिए, खुला अच्छा नीचे से ऊपर तक गाना चाहिए, और ज़्यादा कुछ खा के गाना नहीं होता है खाली, इसलिए मॉर्निंग रियाज बोलते हैं, जल्दी उठना चाहिए, बच्चे लोगों को तो जल्दी उठना ही चाहिए, आवाज़ नहीं तो वो खुलेगा नहीं, तो बाद में सेट हो जाता है, कुछ सालों के बाद वो सेट हो जाता है। अभी हमारा जैसे मैं तो इतना गाती नहीं हूँ, फिर भी गा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो एज के हिसाब से आवाज़ चेंज होते हैं, लेकिन रियाज ज़्यादा करना चाहिए, और जो बोलते हैं बड़े लोग, जो गुरुजी बोलते हैं, जो जैसा करने के लिए वो करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताया, आई एम श्योर जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को सुन रहे होंगे जो रागिनी चक्रवर्ती अभी बता रही है, एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड बिकॉज द वंस द बडिंग टैलेंट्स हु आर कमिंग अप टू म्यूजिक एंड दे आर प्लानिंग टू टेक अप म्यूजिक एज देयर करियर, सो दे शुड ऑल्सो टेक सम बेसिक नॉलेज अबाउट द म्यूजिक, एंड इट्स नॉट नेसेसरी डेट you should always watch television, it's a good thing that you adapt things very closely, but the things are like if you have a basic knowledge so things will be more easy for you, so thank you so much ma'am for coming to our show, aur hame itna acha laga kyunki bahut dino baad ek classical number aur classical gaane ko sunne ka mauka mila, and I'm sure the viewers who have watched our show of Good Morning Northeast this morning must have loved it, because after so long days we have heard such a beautiful classical number which was we can see literally it was vanished from the entire stage. On that note, we'll have to wrap up the show of Good Morning Northeast.